सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बोले तो पिकअप, उसमें लगने वाली बैटरी के बारे में। उसके अगेंस्ट में हमारे पहले वीडियो बने हुए हैं, पर आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। सो इसको देख लीजिए और पता कर लीजिए कि उसमें जो बैटरी लगती है तो उसमें कौन सी बैटरी आपको उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके जगह पे कौन सी लगा सकते हैं। तो कम्प्लीटली वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और आपके पास में बोले तो पिकअप है, या फिर आप एक कस्टमर है, या फिर आप एक डीलर भी है, वीडियो देख लीजिए और थोड़ी आइडिया ले लीजिए। अब यहाँ पे जो काफ़ी एक्सपर्ट होंगे उनको पता होगा कि उसमें और कौन सी बैटरी लगती है, पर कस्टमर को ये नहीं पता होता है उसमें जो बैटरी लगी हुई है वो वही वाली बैटरी लगाते हैं। पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस वजह से ज़्यादा पावर, ज़्यादा बैकअप, प्राइसिंग भी आपके यहाँ पे बचने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो बैटरी है और आपको कौन सी बैटरी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ तीन बैटरी को लेके, जिसकी प्राइसिंग आपको जो पहले लग के आती है और जो दो बैटरी है उसकी प्राइसिंग आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे साइज का भी मैं आपको कंपेरिजन बताने वाला हूँ बैटरियों का, कॉस्टिंग के साथ में वारंटी सब कुछ। तो सबसे पहले बैटरी की बात करेंगे जिसमें वो बैटरी पहली लग के आती है, वो है EY 700 65 AH कैपेसिटी की बैटरी है और इसमें वारंटी आपको 44 महीना मिलने वाली है। 24 महीना गारंटी, 20 महीना वारंटी, 2 साल में कुछ भी हो गया, 24 महीने में कुछ भी हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिलने वाला है। उसके बाद में आपको MRP पे डिस्काउंट मिलता है जो 20 महीने बचे हुए हैं। MRP पे वो 50%, 40%, 25, 30, मतलब 30, 25, 20, 15 ऐसा डिस्काउंट कम होता रहता है। तो ये वाली बैटरी आपके बोले तो पिकअप में लग के आती है EY 700। इसकी प्राइसिंग जान लेते हैं। इसकी प्राइसिंग लगभग 8,000 रुपये तक के MRP देखने को मिलने वाली है और आपकी जो पुरानी बैटरी है उसके कोई 1200-1300 रुपये माइनस कर लेते हैं, तो उतने पैसे MRP माइनस कर लीजिए और 200-300 रुपये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप एग्जैक्ट प्राइजेस जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एग्जैक्ट प्राइजेस बता देंगे। अब इसके जगह पे ये तो बैटरी है जो ये लग के आती है, इसके जगह पे और कोई दूसरी बैटरी आपको लगानी है तो कौन सी लगानी चाहिए। तो सबसे पहले एक और एक बैटरी के बारे में बात करेंगे, वो है इको 60। इस बैटरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, पर जो थर्ड बैटरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो लगा लीजिए, बिल्कुल ही ज़बरदस्त बैटरी है। तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, स्किप ना करते हो, क्योंकि ये पॉइंट भी सुन लीजिए, जो इको 60 बैटरी है ये वाली बैटरी भी लगती है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते प्राइसिंग वारंटी की। इको 60 ये 60 AH की बैटरी है। अब ये EY 700 है जो 65 AH की है, तो बोले तो पिकअप में 65 ही लगती है और आपको 65 लगाना चाहिए, पर ये जो 60 है ये भी लगती है। तो इसकी प्राइसिंग पहले जान लेते हैं। 18 महीने की वारंटी है, प्राइसिंग है 5,800 MRP देखने को मिलती है। अब इस पे आप और डिस्काउंट काट लीजिए, मतलब आपके पुराने बैटरी के 1200-1300 काट लीजिए, तो ये आपको और डिस्काउंट के साथ में 4200-300, कोई 4000 में आपको दे देगा। 18 महीने की वारंटी है तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम होगी। पर इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे ठंडी का सीज़न है और अगर आपकी गाड़ी सवेरे सवेरे आप शुरू करना चाहते हैं, सवेरे 6 बजे 7 बजे, तो आपकी बैटरी, मतलब आपकी गाड़ी शुरू नहीं होगी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके बोले तो पिकअप पुरानी है, क्योंकि इंजन डीजल वाला इंजन है और पावर ज़्यादा लेता है और 5 एम्पीयर की कैपेसिटी की वजह से आपकी गाड़ी शुरू नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से बैटरी तो लगती है, पर ये बैटरी आपको नहीं लगाना चाहिए। ये बैटरी आप लगा सकते हैं, अगर आप दोपहर को शुरू करते तो गाड़ी शुरू हो जाएंगी, पर इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। पर अगर आप एक कम के प्राइसिंग के साथ में जाना चाहते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बैटरी आप लगा सकते हैं। पर सवेरे सवेरे इंजन काफ़ी ठंडा है तो शुरू होने में थोड़ी सी दिक्कतें आपको मिल सकती है। तो प्राइसिंग हमने आपको बता दी और वारंटी 18 महीने की है, रिप्लेसमेंट मिल जाएगा 18 महीने में, कुछ भी हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करेंगे थर्ड बैटरी के बारे में और उसके बाद में हम ये तीनों बैटरी का जो साइज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड बैटरी है और ये बैटरी के बारे में जान लीजिए। अब ये जो बैटरी है इसका नाम है माइलेज, ये एक साइड माइलेज में है 75D23LBH, मॉडल नंबर नोट कर लीजिए ML75D23LBH। और ये बैटरी जो है, ये बैटरी मैं बता देता हूँ कि कौन से गाड़ी में लगती है, ये i20 डीजल गाड़ी में लगती है और इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो 68 कैपेसिटी है, मतलब 65 से भी ज़्यादा कैपेसिटी है। MRP लगभग सेम दिखने को मिलने वाली है EY 700 की तरह, 8,000 रुपये तक, 79 समथिंग इसके MRP है। प्राइसिंग इसकी थोड़ी कम है, जैसे जो डीलर को प्राइसिंग मिलती है वो थोड़ी कम है, इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब EY 700 और इस बैटरी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 400 रुपये का, और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। 8,000 की बैटरी है, मान लीजिए सीधे सीधे आप 1400 रुपये माइनस कर लीजिए और कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
अगर EY700 आपको पुराने रिप्लेस करके और डिस्काउंट काट के मान लीजिए कि आपको 6.5 में आएंगी या 6400 में आएंगी, तो माइलेज 75D 23 LBH आपको 6000 में आने वाली है या 600 में आएंगी। इस तरीके से 400-500 का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। वारंटी की बात करेंगे तो वारंटी भी आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है EY700 से। उसमें 44 की है तो इसमें 55 की है। उसमें 24 महीना गारंटी है तो इसमें 30 महीना गारंटी है। 30+25 30 महीने में कुछ भी हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिलता है। तो 75D 23 LBH के साथ में जा सकते हैं, जो 68 AH कैटेगरी की बैटरी है, ज़बरदस्त बैटरी है, आप लगा लीजिए। अब यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे दोनों बैटरी के, EY700 और माइलेज 75D 23 LBH के। तो यहाँ पे आप डायमेंशन देख लीजिए, लेंथ विथ हाइट लगभग आपको यहाँ पे सेम दिखने को मिलने वाली है। जो गाला होता है उसमें बैटरी बैठना चाहिए, तो ये दोनों का साइज बिल्कुल लगभग सेम ही है। आप देख सकते हैं विथ सेम है, हाइट सेम है, लेंथ में थोड़ा सा फर्क है, पर दोनों बैटरी आपके गाल में बैठ जाएंगी। मतलब EY700 तो बैठती है, 75D 23 LBH बिल्कुल बैठ जाएंगी, तो इसके साथ में भी आप जा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी के साथ में थोड़े कम प्राइसिंग के साथ में ज़्यादा वारंटी भी आपको इस बैटरी में मिलने वाली है। सो वीडियो आई होप आपको पसंद आएगा। सो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, चैनल में कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।